मुंबई के बाद अब रेलवे बिहार में नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की मदद करेगा। रेलवे ने स्टूडेंट्स को परीक्षा वाले दिन मुंबई से विशेष उपनगरीय सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के एक दिन बाद बिहार में इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 30 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी दी जाएगी। मंत्री ने ट्वीट किया, भारतीय रेलवे ने बिहार में जेईई मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी एमईएमयू टीईएमयू स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 13 सितंबर को होगी, जबकि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर तक आयोजित करने की योजना बनाई गई है। कॉमन एनडीए 2020 परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित है। करीब 8.58 लाख विद्यार्थियों ने जेईई मुख्य के लिए तथा 15.97 लाख विद्यार्थियों ने नीट के लिए पंजीकरण कराया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ये परीक्षाएं 2 बार टाली जा चुकी हैं। गौरतलब है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस परीक्षा को टाले जाने के लिए कई दिनों से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्रों ने यात्रा करने को लेकर चिंता जाहिर की है। कोरोना वायरस जोखिम के बीच छात्रों ने यात्रा करने को लेकर सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की थी। कई छात्र ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के बाद अलग अलग शहरों को चले गए हैं और अब वह अपने परीक्षा केंद्रों से काफी दूर हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।